गुड मॉर्निंग सभी के लिए भाई, नमस्कार। आज हम आपके लिए इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर वालों के लिए एक ड्राइंग की एस्टीमेटिंग ड्राइंग की क्लास लेके आए हैं, EDD 2। ये एस्टीमेटिंग की पूरी है। इसमें जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, विद्युत का जितना भी वर्क होगा, आपकी बहुत सारे सब स्टेशन होते हैं, उनका क्या क्या सामान लगता है, उनकी कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कौन सा सामान कितने का आता है, सामग्री जो भी होती है, आप कोई भी लाइन को बिछा रहे हो, प्लांट बना रहे हो, उसकी एस्टीमेटिंग पूरी गणना करना होता है इस EDD 2 के अंतर्गत। इसी का हम अध्ययन करेंगे। आज छोटा सा एक ले लेते हैं, मान लो कोई एक पोल है RCC लोहे का 11 KV, मान लो कोई 11 KV 50 हर्ट्ज 3 फेस का पोल है, उसको आपको ग्राउंड करना है और उस पर टेक लगानी है। टेक का मतलब स्टे। तो स्टे को हमेशा, इस चीज़ को हम स्टे कहते हैं। हमने देखी होगी एक वायर होता है जिससे आपका पोल टिका हुआ होता है, उसको हम स्टे कहते हैं। स्टे लगानी है और आपको क्या करना है, ग्राउंडिंग करनी है, यानी अर्थिंग करनी है। इस पर कहीं करंट आए तो वो ग्राउंड हो जाए, इससे सेफ्टी हो जाए। तो आपसे इस क्वेश्चन में जितना बोला जाता है उतना ही करते हैं। तो इसका पहले हम डायग्राम बनाएंगे स्वच्छ सा। तो ये आपने पोल बना लिया है, ठीक है, पोल नॉर्मल। ये ग्राउंडिंग लेवल दिखा दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर आपने एक अर्थिंग प्लेट का प्रयोग किया। ये अर्थिंग प्लेट है आपकी, इसके चारों ओर, अर्थिंग प्लेट के चारों ओर नमक और चारकोल की हम लेयर बिछा देते हैं। पहले नमक, फिर चारकोल, फिर नमक की लेयर बिछा देते हैं। और ये आपका GS वायर है, जस्तीकृत लोहे का वायर जो होता है, इसमें जंग नहीं लगती। इसको नट बोल्ट की सहायता से प्लेट में कस दिया जाता है, अर्थिंग प्लेट में कस दिया था। और यहाँ पर एक नट बोल्ट होता है, यहाँ पर इस पोल में कस दिया जाता है। तो ये आपकी अर्थिंग हुई नॉर्मल। इसमें क्या होता है, स्टे। स्टे को कहते हैं टेप। ये हमेशा 45 डिग्री, इसका जो एंगल होता है 45 डिग्री लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें देखो क्या क्या सामान लगा हुआ था। ऊपर एक क्लैंप लगी होती है, ठीक है, ये हमने क्लैंप लिख दिया। किंतु किसके लिए, पोल के लिए, स्टे के लिए है, तो इसलिए इसका नाम स्टे क्लैंप दे दिया। ये क्या है, इंसुलेटर। आपने भी एक इंसुलेटर देखा होगा, इंसुलेटर किंतु किस पर लगा हुआ, स्टे पर। तो इसलिए इसको स्टे इंसुलेटर हो। ये वायर है किंतु कौन सा वायर है, स्टे वायर, तो स्टे वायर नाम दे दिया। ये थिम्बल होता है, एक नक्शा होता है, उसको वायर और बो को कमानी है इसको पकड़ने के लिए। एक तरवजा का कमानी देखी होगी, ये कमानी है, ठीक है। ये स्टे रॉड होते हैं, मोटी सी होती है, ये स्टे प्लेट से संपर्क रखती है। और इसको कसने के लिए बो टाइटर, टाइट करना होता है, टाइटर, बो टाइटर का प्रयोग किया जाता है। ये क्या आपकी स्टे रॉड, ओके। और ये भूमि में गाड़ दी, ये इसके चारों ओर हम क्या कर देते हैं, कॉन्क्रीट कर देते हैं, RCC जो बोल देते हैं, इसको हम क्या करेंगे, कॉन्क्रीट RCC। तो ये पूरा आपने स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसमें क्या क्या सामान लगा, कौन सा सामान कितने का आया, टोटल कॉस्ट कितनी है, उसके बारे में चेक कर लेते हैं। इसके लिए एक टेबल होते हैं, एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग टेबल। तो इसमें सबसे पहले क्रम संख्या होता है, दूसरा सामग्री का पूर्ण विवरण होता है, उसका होती है मांग मात्रा, दर होती है मूल्य। विवरण में आता है जो इसमें सामान जो जो लगा हुआ है वो, मांग मात्रा में यानी कितनी रिक्वायरमेंट, दर यानी एक सामान कितने का रहा। तो दर किसमें होगी, हमारी रुपये में होती है, ठीक है। और मूल्य भी किसमें होता है, रुपये में होता है। तो सबसे पहले हम स्टे वायर के लिए लेते हैं। स्टे वायर है, इस पर स्टे वायर है, उसमें क्या क्या लगा हुआ है, यानी स्टे जो वायर खींचा आपने उस पर क्या क्या सामग्री लगी हुई है। तो देखो स्टे वायर के लिए लेते हैं, तो स्टे रॉड लगी हुई है, स्टे प्लेट है, स्टे वायर है, स्टे क्लैंप है, स्टे इंसुलेटर है, बो
वो टाइटन है, थिम्बर है और आरसीसी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब मांग मांग कर देख लेते हैं, स्टील रॉड कितनी लगी हुई है? एक है रॉड ये वाली, ओके। और किसी कोई दिक्कत बताओ भाई? स्टील रॉड नहीं पता कितने रुपये की आती है, पता है किसी को? चलो मांग मत करें। स्टे प्लेट भी एक है, स्टे वायर, वायर तो 1 किलो के हिसाब से आता है आपको वायर, ठीक है। तो लगभग 5 किलो एक स्टे वायर में लग जाता है। स्टे क्लैंप है एक है, स्टे इंसुलेटर एक लगा हुआ है, वो विद वो टाइटर एक है, थिम्बल एक है, आरसीसी लमसम दिखा देंगे, ठीक है। आरसीसी की आपने सॉरी एक आरसीसी कर दिया, ठीक है। अब इसी कॉस्ट की बात करते हैं। स्टेरॉइड है कितनी की आती है किसी को पता है? वही बताओ, स्टेरॉइड है ये कितनी की आती है? ये 180 रुपये की आती है प्रति रुपये, प्रति आरएस लिख देता हूँ, ठीक। स्टे प्लेट, प्लेट ये होती है नीचे जो ग्राउंडिंग होती है जब भूमि में इसको गाड़ देते हैं, वो कितनी की आती है स्टे प्लेट तो वही नहीं पता किसी को? स्टे प्लेट की बात कर रहे हैं, 250 रुपये की आती है पर आर एस। स्टे वायर ये केजी के हिसाब से आता है, केजी स्टे वायर 35 रुपये प्रति केजी आता है, 35 रुपये प्रति केजी, 1 किलो 35 का। स्टे क्लैम्प वो लगी हुई है आपकी 80 रुपये की आती है, 80 रुपये प्रति रुपये। स्टे इंसुलेटर ऊपर लगा हुआ है 130 रुपये एक आता, वो विद वो टाइटर यानी त्रिभुज जैसा होता है वो लगा हुआ कितने का है किसी को पता है? बताइए वो विद वो टाइटर बताओ ही बताओ। चलो ये 120 रुपये का आता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता। थिम्बल 35 रुपये, आरसीसी अब इसको कंक्रीट करोगे कितना लमसम लिख दो, ठीक है। अब इनका मूल्य लिख देते हैं गुणा करके, इन दोनों गुणा किया 180, इनका किया 250, इनका किया 25, 2 यानी 3 × 15 = 17, 217, ठीक है। 80 रुपये और 130 रुपये, 120 रुपये और 35 रुपये। और ये इसको कंक्रीट करेंगे, जब हम अंदर गड्ढा खोद देते हैं तो इसको कंक्रीट करेंगे तो लगभग इसका हमारा जो चार्ज होता है एक का 80 रुपये आता है, ठीक है। ये आरएस में सभी इसको सभी नोट डाउन कीजिएगा, अभी इसका एस्टीमेट निकाल है, अभी इसका हम निकालेंगे, ठीक है। नोट कीजिएगा ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया। अभी सेकंड पॉइंट को देखिएगा, अभी आपने किया था स्टे प्लेट,
स्टीम आयल के लिए क्या क्या सामग्री आई थी, और नंबर टू पॉइंट चलते हैं अर्थिंग रहेगी। अर्थिंग के लिए अर्थिंग जब आप करोगे तो क्या क्या सामग्री आई, GSY लगेगा, जस्ती के लोहे, ठीक है। अर्थिंग प्लेट लगेगी, अर्थिंग प्लेट, नमक, चारकोल, ये सारी चीज़ें लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट सिरेमिक प्रवाह, सिरेमिक प्रवाह का मतलब अब इसको गाड़ेंगे, गड्ढा खुदेगा, कुछ ना कुछ लेबर लगेगी, तो इसके लिए लेबर अलग लगेगी, उसके लिए अलग रहेगी, तो सिरेमिक प्रवाह है, स्टे के लिए अलग है, अर्थिंग के लिए अलग है, उसका इसको सामान को डोके लगेंगे कहीं से, तो आपका ढुलाई चाय लगेगा, ठीक है। तो आप धीमे धीमे मां मात्रा वगैरह चेक करते, GSY है ये 1 kg लगता है इसमें, ठीक है, 1 kg ओनली, ये 1 kg है, ये आपका 75 rupees प्रति kg आता है, तो ये 75 rupees का हो गया। अर्थिंग प्लेट महंगी आती है, ठीक है, इसमें नट बोल्ट सही होने चाहिए, तो ये कितनी लगेगी, एक प्लेट चाहिए हमारे लिए, एक अर्थिंग कर रहे हैं इसलिए, तो ये 425 rupees की आती है, तो ये भी 425 rupees हो गए। नेक्स्ट नमक, नमक चाहिए 5 kg नमक, ठीक है, 1 kg नमक कितने का था, 5 rupees किलो आता है, 5 rupees per kg, ठीक है, और 25 rupees का हो गया। चारकोल जानते हैं, कोयला जो कहते हैं हम, ठीक है, 10 rupees per kg आ रहा है, 10 rupees per kg, तो चाहिए कितना, जितना नमक उतना ही चारकोल लेंगे, तो कितना हो गया, 50 rupees। नेक्स्ट श्रमिक प्रवाह, स्टे के लिए भाई एक मजदूर है तो 300 रुपये, और एक है इसके लिए भी और इसके लिए भी, ये भी एक एक है, तो एक जनरल झाड़ी की इसकी कितनी होती है, इसके लिए गड्ढा खोदेगा, इसको लगाएगा, तो पूरा दिन लगेगा, सीधे सीधे 350 रुपये प्रति। अब अर्थिंग के लिए भी 350 लगेगा, तो दोनों में प्रॉपरली सेम खर्चा होता है। ठीक, गड्ढा खोदते हैं इस पोल से नीचे, अब पोल से नीचे दिखाना थोड़ा, इस डायग्राम में दिख गया है, पोल से नीचे चार फुट की गई, 5 फुट की गई, गड्ढा खोदते हैं, उसके बाद पूरा इसकी साइज का तब काटते हैं, सेम कंडीशन यहाँ होती है, ठीक है। और ढलाई प्रवाह कोई ढोके लाएगा, ठीक है, एक ही होगा, ये लमसम दिखा सकते हैं इसकी दर लमसम, तो कहीं से सामान को ढोके लाओ सीधी बार, एक बुग्गी वाला लेने जाएगा तो कॉस्ट वो पूरी लेगा, तो कितनी होगी, 300 रुपये, एक चक्कर लगाए वही तो पूरा लेगा ना। तो इसको करने के बाद वो डायग्राम बना लिया, थोड़ा आगे समझा देते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, चलो उसको नहीं, इसी को कर देते, ये नोट कर लिया। ढलाई प्रवाह के बाद आता है आपका, अब आपने सारा कुछ कर लिया, ठीक है, तब इसका क्या करोगे, टोटल निकालोगे, टोटल निकाल लो, आपने जोड़ा, जोड़ लिया, मान लो इसका आ गया 3100 रुपये, ये लमसम मैंने मान लिया है, ठीक है, जोड़ा नहीं है, 3100 रुपये आ गया। इसके बाद इस पर एक सुपरविजन चार्ज होता है, मान लो किसी के अंडरटेकिंग में काम हो रहा, कोई कंपनी का आदमी होगा उसके अंडरटेकिंग में, तो उसका भी चार्ज लगा, ये कंपनी सुपरवाइजर चार्ज कह रहे थे इसको, सुपरवाइजर खर्च, ठीक है, ये कंपनी खुद लगाती है सुपरवाइजरी चार्ज, ठीक है भाई, इसे कोई दिक्कत, सुपरवाइजरी चार्ज हमेशा 10% लगता है, ठीक है, तो टोटल आएगा, टोटल का 10% लगेगा, 3100 का 10% भाई कितना हुआ बताओ, 310
वाह, तो वो निकाल लेते 3110% डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0 कटे 3100 बचे, तो सॉरी 310 बचे, ठीक है 300 हो गया। अब यह टोटल कर लिए, हम नीचे क्या करेंगे, ऑल टोटल, ऑल टोटल कितना हो जाएगा, ये होगा 3410 रुपये। एक जो पोल है और आपसे बोला जाए उसकी पर स्टी लगानी है और क्या करना, अर्थिंग करना, तो कितना कॉस्ट आया, 3410 रुपये, ठीक है। तो आपको पूरा एस्टीमेट निकालना होगा, तो इसकी हम गणना करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको और सभी स्टेशन वगैरह जो भी हैं उनकी गणना और अच्छी क्लास यहीं पर शाम करते हैं। थैंक यू, एंजो ना, एंजो कीजिए भाई।